चैनल अंबिका कुकिंग के लिए मैं आपका स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो चलिए हम पाव भाजी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या सामग्री लगेगी दोस्तों, जान लेते हैं। लहसुन बारीक पिसा हुआ है, अदरक पिसा हुआ है और ये हरी मिर्च बारीक कुटी, शिमला मिर्च मैंने बारीक काट के रखी हुई थी, ये पत्ता गोभी बारीक कटे हुए हैं, ये ऑयल है, टमाटर प्यूरी बारीक कटे, प्याज है, ये धनिया पत्ती है बारीक कटी, टमाटर केचप, धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये उबले हुए आलू है दोस्तों, जीरा, नमक और ये पाव भाजी मसाला। अब एक कढ़ाई को हम रख देंगे गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल रहे हैं पानी, पानी डाल देंगे हम एक गिलास इसमें। अब कटी हुई वेजिटेबल जो मैंने काट के रखी हुई है इसमें हम डाल देंगे। वेजिटेबल में आप ले सकते हैं गाजर, फूल गोभी और जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। पाव भाजी में तो बहुत सारी वेजिटेबल लग जाती हैं, जो चाहे आपको पसंद हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी मैंने डाल दी है इसमें, अच्छी तरह से मिलाना है हमें, धीरे धीरे करते हुए मिलाते जाएंगे पानी में, हमें और लगेगा तो हम इसमें और पानी डाल सकते हैं। हमें इसे अच्छी तरह बॉईल करना है, अच्छी तरह पक जाती है ये तो अच्छी तरह से मैश हो जाती है ये, इसे बॉईल करना है हमें। थोड़ा सा पानी और लग रहा है इसमें डाल के हम इसे ढक के रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है पहले हमें, पानी अच्छी तरह मिल जाना चाहिए, अब इसे हम ढक देंगे। अब इसे बॉईल होने के लिए हमने रख दिया है, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल, एक कटोरी तेल डाल दिया इसमें मैंने। अब इसमें डाल देंगे हम बटर, आप चाहो तो बटर से भी इसे बना सकते हैं या पेपर तेल से भी आप बना सकते हैं, या दोनों मिक्स ले सकते हैं आप। हमारा बटर तैयार हो रहा है, गर्म हो रहा है, तेल का यूज़ भी कर सकते हैं आप। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा, जीरा तड़कने लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट, चार छोटे प्याज लिए थे मैंने, इसे पीस लिया था अच्छी तरह से, आप काट के भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से हमें भुनना है। मध्य आंच में भी हमें इसे गुलाबी सेकना है, हल्का सा भुनते जाइए आप, इसे जले ना और अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होने दीजिए, अच्छी तरह गुलाबी होने के बाद हल्का गुलाबी हो जाएगा। तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च बारीक पिसी हुई, दो चम्मच डालती है हरी मिर्च। अब डाल देंगे लहसुन एक चम्मच पिसा हुआ, अब डाल देंगे अदरक एक चम्मच पिसा हुआ। अब तीनों को मिला के हमें अच्छी तरह से भूनना है, मध्य आंच में सेकेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमें मध्य पे ही इसे भूनना है, जले नहीं। पाव भाजी मेहनत से बनती है, टाइम लगता है, जितना अच्छा भुनोगे उतना अच्छा स्वाद आएगा उसमें। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी ले ली है मैंने, इसमें डाल दी एक चम्मच लाल मिर्च मैंने, आपको तीखा पसंद है वो डाल दीजिए। अब इसमें डाल देंगे हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाल दिए, धनिया पाउडर डालेंगे, ज़्यादा धना नहीं लगता है इसमें, से एक चम्मच ही लिया है मैंने। इसमें डाल देंगे हम पानी, पानी डाल के इसे हमें इसलिए पेस्ट बनाना है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है पाव भाजी में, इसलिए इसे अच्छी तरह से हमें मिलाते हुए फुलाना है ताकि पूरा मसाला इसमें अच्छी तरह पानी में घुल जाए, तो कलर भी अच्छा आता है इससे हमारा। और जब तक ये भींग रहा है, जब तक हमारा मसाला भी उधर कढ़ाई में हो रहा है मध्य आंच पे, इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए हम। देखिए हमारा मसाला भुनने वाला है यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा भुन रहा है गुलाबी, अच्छी तरह चालते जाएंगे हम वो मसाला भूनते जाएंगे, स्लो पर ही हमें मसाला भूनना है ताकि इसके फ्लेवर उठ के आए, सारे फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह आते हैं। गुलाबी भूनना है हमें, देख लीजिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम जो मसाला हमने पानी में भिगोया था,
लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर अच्छे तरह भीग चुके थे, इसमें डाल दिया है मैंने। इसे भी हमें अच्छी गुलाबी ही भूनना है, धीरे धीरे भूनते जाना है। हमने मसाला इसलिए गीला करके डाला है ताकि ये मसाला जले नहीं और आपको सीखने में तकलीफ ना हो। मसाला भूनते जाइए, मसाला अगर आपको लगता है तो थोड़ा तेल कम है, आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। भुनने के बाद ही तेल ऊपर आ जाता है, इसलिए पता नहीं चलता कि तेल कितना डाला है इसमें। अच्छी तरह भूनेंगे तेल अपने आप ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा सिक जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार आप इसमें तेल डाल सकते हैं, जैसे आपका स्वाद के हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह हमें भुनना है, टाइम लगता है, धीरे धीरे भुनते जाता है। जितना अच्छा आप भूनोगे उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। जब तक हमारी देख लेते हैं पत्ता गोभी बॉयल हुई थी, देख लीजिए इस तरह से हमारी पत्ता गोभी सॉफ्ट होने लगी है। आप कुकर में भी इसको बॉयल कर सकते हैं। थोड़ी सी पत्ता गोभी थी इसलिए मैंने कढ़ाई में इसे बॉयल करी हुई है। अगर ज़्यादा आप बनाने चाहो तो आप कुकर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। अब इसे ढक देंगे, थोड़ा सा 5 मिनट उसमें पकाना है मुझे। मसाला भुनने की तैयारी में है और उधर हमारी सब्जी बॉयल हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर की प्योरी, 4 टमाटर लिए हुए हैं, और इसे अच्छी तरह हमें इसे भी भूनना है। हमें मसाला हमारा भुन चुका था, तेल ऊपर आ चुका था, तब हमने इसमें टमाटर डाले हुए थे। इस प्योरी को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे भी अच्छी तरह हमें भुनना है। तेल ऊपर आने लगा है धीरे धीरे करते हुए, इसमें डाल देंगे हम टमाटर केचप। आप मीठा पसंद करते हो तो टमाटर केचप डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है हमें, एक एक मसाले धीरे धीरे करते हम डालते हैं तो उसका स्वाद उठ के आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें डाल देंगे बॉयल करे हुए हमारे मटर, ये फ्रोजन मटर थे मेरे जो मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे बॉयल किए थे। अभी मटर का सीजन नहीं हो तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाना है हमें, मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पावाजी मसाला, 3 चम्मच पावाजी मसाला डाल रही हूँ मैं। पावाजी की क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है इसलिए मैंने 3 चम्मच ही डाला है, आप चाहो तो इसे कम भी डाल सकते हैं। नमक भी डाल दिया इसमें स्वाद अनुसार। अच्छी तरह मिक्स करना है इसे, अच्छी तरह मिला लिया हमने, हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें डालने वाले हैं उबले हुए आलू, मेस करके डाल दीजिए, आप चाहो तो इसमें भी मेस हो जाएंगे वो, अच्छी तरह इसे मेस करना है। अच्छी तरह उबाल लिए थे आलू इसलिए इसमें जल्दी से मेस हो जाएंगे, ये बिल्कुल महीन हमें इसे दबाते हुए इसे चलाते हुए मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और फिर से हम इसे मिलाएंगे। पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए आप, इसे पानी अभी और लगेगा, मसाला फूलता है लेकिन अभी हमें मिक्स करना है इसलिए हमने पानी थोड़ा कम लिया है। अब धीरे धीरे करते हुए इसे पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, वो पूरा फाइन पेस्ट हो जाएगा हमारा आलूओं का। अच्छी तरह मिलाना है हमें, मसाले का फ्लेवर आलू में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। जब तक आप मिक्सर से भी इसे फेंट सकते हैं, धीरे धीरे आप फेंटते जाइए, अच्छी तरह पकने दीजिए। मसाला भुनता है, टाइम लगता है, थोड़ा सा मसाला भुनते भुनते बनता है तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। हमारी बॉयल हो चुकी है हमारी सब्जियाँ, इसे अच्छी तरह मिक्सर से मिक्स करना है हमें, अच्छी तरह फाइन पेस्ट बनाना है इसका हमें। अच्छी बॉईल हो जाती है तो जल्दी से मिक्स हो जाती है ये। अगर आपको लगता है कि आपकी सब्जियां नहीं उबली हैं, टाइम लग रहा है, तो आप इसे मिक्सर में थोड़ा सा एक फाइन पेस्ट बना सकते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा फाइन पेस्ट बन चुका है हमारा। वेजिटेबल्स में और भी अधिक डाल सकते हैं आप, चाहे तो आप पालक डाल सकते हैं, पालक के साथ आप डाल सकते हैं इसमें गाजर, फूलगोभी का यूज़ भी कर सकते हैं आप। सीजनेबल सब्जियां जो होती हैं आप वो भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। कद्दू लौकी का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें आप।
ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो थोड़ी थोड़ी सारी वेजिटेबल आप ले सकते हैं इसमें। अच्छी तरह हमारा पेस्ट होने वाला है, महीन पेस्ट हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच शक्कर, हमने टमाटर केचप भी डाला हुआ था तो हम इसलिए 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं इसमें। अभी से हमने जो पिसा हुआ वेजिटेबल पेस्ट था हमारा वो डालेंगे हम जो बॉयल हो चुका है। धीरे धीरे करते हुए इसमें डालते हुए हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह हमें इसे मिलाना है और आप देखिए कि ये गाढ़ा है थोड़ा सा, तो आप पानी का यूज़ उसमें और कर सकते हैं। पानी लगेगा ही इसमें क्योंकि ये सब्ज़ी फूलती बहुत है। मसाला भुनता है, पानी डलता है तो फूल जाती है वेजिटेबल हमारी सारी। इसमें अच्छी तरह मिक्स होने वाली है और कलर भी ऊपर आ जाएगा इसका। इसे अच्छी तरह हमें बॉईल करना है ताकि इसका सीटापन ना लगे और फ्लेवर अच्छा इसमें सारा मिक्स हो जाए। आप इसमें टमाटर की वजह से इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है टमाटर की क्वांटिटी कम है, इसमें खटाई नहीं आ रही है, तो इसमें 1 चम्मच अमचूर डाल सकते हैं। बाद में आप नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, जिसमें भी आप डाल सकते हैं, आपको जैसा फ्लेवर पसंद हो, खट्टा मीठा तीखा आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये सब्ज़ियाँ गाढ़ी ज़्यादा होती हैं इसलिए थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से आप डाल दीजिए और अच्छी तरह से पकने दीजिए। अच्छी तरह मिलाना है और पकाना भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसे, ताकि पानी का सीटापन ना रहे और समाई सारी सब्जियों में इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। पानी डालने के बाद हम इसे पकाएंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है देख लीजिए आप। लगे आपको थोड़ा सा और तो मिर्ची का ऊपर से आप इसमें पेस्ट डाल सकते हैं तेल के साथ बघार लगा के, कलर अच्छा आ जाएगा इसमें और तीखा भी हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी पक चुकी है हमारी पाव भाजी, वो कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों आप भी बनाइए और बताइए हमें कैसी बनी। धनिया पत्ती से हम इसे सर्व कर देंगे। आप गरम मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं बाद में। पाव भाजी मसाले में इतने फ्लेवर है, गरम मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हैं ऊपर से। पाव भाजी रेडी हो चुकी है हमारी, जब तक हम तवे पे पाव को सेक लेते हैं। तवे पे मैंने बटर डाल दिया है, ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं आप, बटर का यूज़ भी कर सकते हैं आप। बटर डाल दिया है, अच्छी तरह से हमारा बटर गर्म हो रहा है, पिघल चुका है। अब इसमें हम दाल लगाएंगे, पाव में बटर लगा देंगे और उसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। पाव भाजी मसाला भी मैंने इसमें डाला हुआ है, अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आप सेक लीजिए। जितना आपको पसंद हो उतना ऐसे आप कुरकुरा बना सकते हैं और अच्छी तरह सेकते जाइए। हाँ, पाव रेडी हो चुके हैं, निकाल रहे हैं हम प्लेट में सर्व करने के लिए। दोस्तों देखिए किस तरह हमारे पाव नज़र आ रहे हैं, अच्छे गुलाबी सिक चुके हैं। मध्य में ही हमें धनिया पत्ती और बटर के साथ इसे हम सर्व कर देंगे। नींबू प्याज के साथ आप इसे सर्व करिए और बनाइए और खाइए दोस्तों। और बताइए कैसी बनी हमारी पाव भाजी। तो आइए दोस्तों, बनाइए दोस्तों, खाइए दोस्तों और खिलाइए दोस्तों।